दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में घर के अंदर इस समय यदि आप फुकरा इंसान की बातों को सुनेंगे तो आप अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अविनाश की बातें कर रहे हैं वो मनीषा रानी के साथ बैठकर, और कह रहे हैं कि अविनाश कितना चूतिया इंसान है। वो खुद नॉमिनेट है लेकिन इसके बावजूद जिया को कैप्टनसी के लिए मतलब उसको सेव कर रहा है। उसको खुद को होश नहीं है कि वो इस हफ्ते घर से बेघर हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद दूसरों को बचाने में लगा हुआ है। और अगर ये इस हफ्ते बाहर हो गए ना तो इससे बड़ा गधा कोई नहीं होगा। वहीं दोस्तों इसके बाद में फुकरा इंसान ने कहा कि मैं तो इसको भाई इस चीज़ के लिए बहुत सुनाने वाला हूँ। अगर वीकेंड पर सलमान सर इसकी नहीं लगाएंगे तो मैं तो इसको सुना सुना कर पका दूंगा। वहीं इसके बाद में यहाँ पर फुकरा इंसान ने कहा कि मैं जब घर के बाहर चला जाऊँगा ट्रॉफी जीत कर, फिर इसके ऊपर एक रोस्टिंग वाला वीडियो बनाऊँगा और उस वीडियो में मैं कुछ भी कंटेंट वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगा, केवल इसकी एक फ़ोटो लगाऊंगा और 12 मिनट तक कंटिन्यू इस साले पर जोर जोर से हंसूंगा। इतना गंदा रोस्ट करूंगा ना, देखना पब्लिक पागल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फुकरा इंसान ने पहले ही ये प्लान बना लिया है कि वो घर के बाहर जाते ही अविनाश को बुरी तरीके से रोस्ट करने वाले हैं और इस रोस्टिंग वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वो अविनाश की शक्ल देखकर हंसेंगे। क्योंकि दोस्तों अविनाश घर के अंदर वो कंटेस्टेंट है जो कि खुद नॉमिनेट होने के बावजूद भी दूसरों को बचाने की पहले सोचता है। आपको कैसा लगा दोस्तों फुकरा इंसान का ये आइडिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप भी फुकरा इंसान के फैंस हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें।